Baaa Baaa flags. Bye.
Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. Welcome. Manish, if you had to do this, you know, मैं तो मतलब कर गया कमाल. If you had to do this, welcome everyone, क्या होता? अरे वाह, दूसरा माइक भी है. हेलो 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 हेलो. हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर. नहीं एक्चुअली मुझे अभी भी अनुपम सर ने बोला होस्ट की तरह नहीं हीरो की तरह बात करना. थैंक यू सो मच सर. सर मुझे फिल्म में बताते रहे हैं बट हाँ अगर मैं होस्टिंग करता तो मैं ऐसे ही करता जैसे आप कर रहे हैं. शायद थोड़ा सा कम कर पाता बिकॉज आई थिंक यू आर वेरी टैलेंटेड. एक बार मेरे दोस्त के लिए जोरदार ताली हो जाए. कमिंग फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच मनीष सर. अच्छा था ना. बट फर्स्टली थैंक यू सो मच आप सब यहाँ पे आए हैं. यस हमारी फिल्म बाबा ब्लैक शीप रिलीजिंग ऑन द 23rd मार्च एंड इट्स अ कॉमिक थ्रिलर. सो आई होप जैसे लोगों ने ट्रेलर इन्जॉय किया उसी तरह लोग फिल्म भी इंजॉय करेंगे. एंड टुडे वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज आज आप लोगों के सामने हम लोग अपने गाने जो हैं फिल्म के वो लॉन्च करने जा रहे हैं. सो जस्ट वेटिंग फॉर दैट आई होप वी क्विकली प्ले दैट एंड पहले वो दिखा देते हैं. यस यस लेट्स टेक अ लुक एट द ट्रेलर. मतलब ये लोग वेट कर रहे थे मनीष भाई ऊपर आए तब नारियल फोड़ोगे. इज्जत ही नहीं कर रहे. नारियल फोड़ना मेरे सर पे मत फोड़ना मेरे भाई. मैं उधर ही आ जाता हूँ. And yehi industry ke asli sher. Give it up for Anupam Kher, ladies and gentlemen. Come on, Kher saab, aa jaiye, please padhariye. Unke saath saath, ladies and gentlemen, the very versatile, the amazing Manish Paul. Unke liye bhi taaliyan. The very gorgeously talented, hamari jo actress hai, bhaiya Manjari, Fadnis, unke liye taaliyan ho jaye. And of course, another stalwart, kissa goi bhi bade kamal ki karte hain. Anu Kapoor saab, sir, welcome. Good to see you. अनु कपूर साहब के लिए भी जोरदार था. सर सर ड्रिंक लेके आ जाओ आप तो बस. लुकिंग डैपर एकदम. हैट शैट ऑल्सो द कैप्टन ऑफ द शिप लेडीज एंड जेंटलमैन. लेट मी टेल यू आप सब लोग आए हैं. आप लोग की पेशेंस के लिए धन्यवाद. आप लोग के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए. वैसे एक इंसान शुरू से लेके अब तक इस पूरे इवेंट को अपनी निगरानी में कर रहे थे द कैप्टन ऑफ द शिप मिस्टर विश्वास पांड्या. लेडीज एंड जेंटलमैन जोरदार तालियां फॉर द जेंटलमैन. Of course, Mikka Paji was supposed to be here and he will be here. Lekin usse pehle, yahan pe superbia, the superb trio, ladies and gentlemen, Shan sahab, Gaurav, and of course, jo unke teesre bhai sahab hai, Roshan, tino ke liye zordar taaliyan ho jaye yahan pe. They've composed some amazing music. Not to forget the producers of the movie, ladies and gentlemen. Please put your hands together for yahan pe jo humare rock stars aaye hue hain. Come on. Anand Swaroop Agarwal ji, ladies and gentlemen. From Swaroop Production, Mr. Krishna Datla, if he's here, there he is. Yes, of course, Agatsya film se, and from Soham Rockstar, Mukut Saab nahi aa paaye unfortunately. Lekin we have Mr. Shailendra Mandora hamare saath. Unke liye zordar taaliyan ho jaye. Yes, you have to come up on stage, please. The amazing, amazing crew. Jitni tarif ki jaye, utni kam hai. And you know, on behalf of everyone, let me congratulate you on a very serious note. This is just amazing. This looks wonderful. So, Anna, we'll have a quick photo op. Then we'll take the evening forward. Yeah. Aaj. मैं यहाँ पे सर आपसे और अनु सर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ सबसे पहले. अच्छा मैं अपना लेके आया हूँ भाई. अपना लेके घूमते तुम कौन दो. एनीवे इसलिए हम सबको बोलने का इतना शौक है माइक अपने पर रखे. नहीं प्रोडक्शन ने प्रोवाइड किया भाई. सर सबसे पहले मुझे बताएं ये पार्टी एंथम ऑफ द ईयर होने वाला है. ये तो हमने देख लिया. यू ट्वीटेड अबाउट इट कि कितना मजा आपको आया. आप लोग के टाइम पे मतलब थोड़ा सा पहले 5-10 साल पहले पब्स वगैरह में सर जाते थे कैसा माहौल हुआ करता था थोड़ा बताओ आप दोनों. मुझे तो पता नहीं मतलब 5-10 साल पहले वाली क्या बात है. आज की बात करते हैं ना. हमने तो अभी शुरुआत की है करियर की बेटा. नो आई थिंक इट्स दिस इज अ स्पेशल ओकेजन फॉर मी फॉर 2-3 reasons. वन इज दैट विश्वास यूज्ड टू वर्क विद मी इन माय ऑफिस फॉर अ लॉन्ग टाइम 4-5 years. हमारी एंटरटेनमेंट कंपनी का बहुत रीढ़ की हड्डी का काम किया था इन्होंने. 5-6 साल काम किया था हमारे साथ. And so this is a very special occasion to see him finally directing a film. Iska script bahut hi mazedar hai, very funny, and he's very easy going person. He's inko ye bhi tension ho rahi thi pichle maine inko milne gaya inko David Dhawan ji ke niche inka office hai. David Dhawan sahab ke office ke niche to inka ye reaction tha. maine kaha yaar acha ho tere ko 6 million views mil gaye gaane ko. kehta ha sir.
मैंने कहा तो परेशान क्यों हो रहा है? नहीं सर. कैसे हो गया? तो ऐसा क्यों हुआ है? ये तो खुश होना चाहिए. सो वेरी गुड, सुपर. एंड दिस गाय इज यू नो वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग यंग फेलोज, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल गाइज, पॉजिटिव, हम्बल. But he has to get out of, for this film, out of the mode of a host to a hero. Puri film mein isko main yahi bolta raha ki casual kaam mat kar. Usne bahut acha kaam kiya. He's very good. I wish this film, Manjari, of course, I worked with you, and Anu ji to stalwart hai. Ye stalwart hi ek wine ka gilas lekar stage pe chadh sakta hai, dosto. And the wonderful producer, Shan, of course. So this is a bunch of great human beings, apart from a very entertaining film that they have made. This is what is the achievement of this film, that we had a great time, and this was also my first film after weight loss, and he's the star of the evening. Whoa! Give it up for Mika Baji! Ye sabko bol ke ki 7 baje pahunch jana, khud matlab inhone. So another great human being. So this is one film which I deliberately also, because there were two roles, one of that man jo sweater bunta rehta hai aur dusra thoda action ka tha, to maine Vishwas aapke liye weight lose kiya tha. Yes, ye to aapko pata hai. Thank you so much, and aapki sabse zyada zarurat hai is film ko. You see, you people are really, I'm sure every event pe maine shayad bola hoga magar isme bahut zarurat hai dosto, please isko kuch karwa dena. Thank you so Anu much ji. And ladies and gentlemen, I present to you Mr. Anu Kapoor. बड़ी देर से अपने साथ में लेके घूम रहे अपन लोग. एक हाथ में ग्लास था तो माइक. सर आपका अंदाज है बयान कुछ और है. नहीं, मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, तो दो तीन महीने बेशक सीनियर हैं, लेकिन सीनियर है अपने दुमानदार, तो उसमें मैं पैर छूता हूँ. NSD में मेरे सीनियर हैं. विश्वास भाई बहुत ही प्यारे डायरेक्टर हैं. मैंने कहा ना, बहुत ही हम्बल, विनम्र, फॉल्स नहीं. कुछ लोग बहुत फॉल्स होते हैं उनकी ह्यूमिलिटी. मनीष बिल्कुल ऐसा नहीं है. मंजरी से पहली बार मुलाकात हुई. हमारे प्रोड्यूसर साहब के बारे में कह सकते, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, सही टाइम पे पैसे देते. प्रोड्यूसर तो वही अच्छा है ना भाई. प्रोड्यूसर वही अच्छा है जो खरा आपने काम किया. मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी जो दे दे, वही बढ़िया प्रोड्यूसर है. सीधे सिंपल, जोरदार ताली बनते हैं सर. हम तो गरीब आदमी है ना, आप समझे, हम तो सिंटा वाले हैं. असल में सिंटा वाले हम है. वो बड़े बड़े स्टार है, उनका सिंटा से कोई मतलब नहीं है. असल में सिंटा का हमारे से मतलब है भाई. हमारे शान भाई है, इतने बड़े सिंगर हैं, और इनके लिए भी ये फिल्म आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फिल्म में इतना खूबसूरत म्यूजिक दिया है, यहाँ से जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है ना. और हम सब ने अपना प्लान बी रखा हुआ है, और विश्वास भाई ने भी प्लान बी रखा हुआ है. नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना, डायरेक्शन चले बहुत अच्छी तरह चले, लेकिन गोट फार्मिंग के ऊपर भी, फिश फार्मिंग के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास 250 करोड़ रुपए है. सब्सिडी है 30%, नो टैक्स. बी प्लान बी जरूर रखिएगा. और बस वही वाली बात है, हंसते खेलते हुए, बस जैसे आप 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 बातों के ऊपर हंस रहे, खिल खिला रहे, यही तो है ना. ऐसे ही आपका प्यार, आपका आशीर्वाद इस फिल्म के लिए रहे, इस फिल्म के प्रोड्यूसर के लिए, हमारे डायरेक्टर साहब के लिए, कि जनता जब हमारे फिल्म को देख के निकले तो ऐसे ही मुस्कुराती और खिलखिलाती हुई निकले, तो भैया पैसा वसूल हो जाएगा. अब मतलब सलमान खान और ऋतिक रोशन ने ठेका नहीं रखा है कि 100 करोड़ हो. हम गरीब भी कुछ कर सकते हैं. ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप समझे. और भैया उनको जरूरत नहीं है, हमें बहुत जरूरत है यार पैसों की, आप समझे, हमें बहुत जरूरत है. मैं सच कह रहा हूं आपको सर, मेरे पास केवल 4 गाड़ियां हैं, मुझे रोल्स रॉयस नहीं है, चाहिए भैया. ये 4 गाड़ियां बोल के सत्यानाश कर दिया आपने. अभी तक सब कुछ बातों में यकीन हो रहा था आपका. ये थीम है बाबा ब्लैकशिप का. नहीं नहीं, सीरियसली, यहाँ से भी हमने कमीशन पे सस्ते में करवाया होगा, इधर भी हार्ड रॉक कैफे से भी. सर, मैं तो अपना पनीर टिक्का भी करता हूं. हमने वो कुर्सियां भी नहीं लगाई सफेद सफेद जिसपे वो घूमते रहते हैं, है ना, सफेद सफेद कुर्सियां. हम ऐसे लाइन में खड़े जैसे 50 साल पहले होते थे. But the film has a great heart, which is going to touch your heart. That's what is important. Thank you so much. Hum dono sir.
खेर साहब दूर 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 जाते जा रहे थे सर, मतलब ये चलता तो नीचे ही होते। मैदान में एक ही तलवार रह सकती है। क्या बात है, क्या बात है सर, ये मेरे भाई है, इनके लिए मैं मैदान छोड़ने को भागने को तैयार। क्या बात कर रहा है, मैदान छोड़ के भाग जाओ। अच्छा सर, मैदान छोड़ने की बात है, वो दोनों छोड़ नहीं रहे थे, डटे हुए थे, मिक्का पाजी और मनीष भाई, आप आए और लिया और साइड से चले गए। सर व्हाट इज दिस, आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन विश्वास टोल्ड मी कि एंड में आप, इनफैक्ट मैं, मेरा प्रॉब्लम था, मुझे कहीं जान दिल्ली जाना था, तो उन्होंने कहा आप एक घंटे के लिए आ जाइए। अच्छा, बट फिर मैं काफी देर रहा आपके साथ। बट मीका जी, आपने क्या डांस किया सर इसमें, वो जो आपने मूवमेंट किया, आई थिंक इट्स देयर डे नाउ, दे शुड टॉक, मीका शुड टॉक। Yes. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मेरा भाई मीका इतना हम्बल, इतना प्यारा आदमी है, इतना बढ़िया डांस करता है कि लगता है मीका का टैलेंट ऐसा है, इतना बढ़िया डांस करता है, ऐसा लग रहा है बरसों ऑल इंडिया रेडियो पर डांस करता रहा। मीका भाजी, जी जी जी, हमने देखा वीडियो सॉन्ग, बिल्कुल कड़ी टक्कर दे रहे हैं मनीष को, जो कि हुज अ सुपर्ब डांसर एंड सुपर्ब एक्टर, व्हाट डू यू हैव टू से। लेकिन लास्ट में हाथ, अभी तो मनीष ही सबको टक्कर दे रहा है, सिंगर बन गया यार। पहले होस्ट था, फिर सबकी जगह ले रहा है, फिर कॉमेडी करने लग गया, तो मेरा छोटा भाई है, तो आई एम श्योर के अनु जी और अनुपम जी के वो जरूर कुछ ना कुछ प्यार, दक्षिणा, बख्शीश मिली होगी। मैं तो बिल्कुल पूरा ही फ्री में हूँ भाई। ये बात तो मैं कहना चाहता हूँ, ये एक्चुअली ऑफिशियली मेरे साथ दो हादसे हुए। एक हादसा, पहले शान भाई का फोन आता है कि भाई वो म्यूजिक डायरेक्टर बन रहे हैं। अब डेफिनेटली मेरे बड़े भाई हैं एंड ही इज़ ए वेरी टैलेंटेड गाय, और पहली बार म्यूजिक कर रहे हैं और मुझे मौका मिल रहा है इनके लिए गाना गाने का, तो फिर मैं वहाँ भी शर्म कर गया कि चलो मुझे नहीं पैसा लेना चाहिए। फिर ऊपर से मैंने देखा कि मनीष आ रहा है मेरा भाई दूसरा, तो मैं समझ गया अब तो बिल्कुल चांस नहीं है। फिर दूसरा गाना, मुझे लगा चलो फिर अभी कुछ करेंगे, प्यार देंगे, दक्षिणा देंगे, चलो कुछ भी यार, चलो 50,000 ही सही, वो भी नहीं। उल्टा मैंने आज दुबई जाना था, तो फिर इनका रिक्वेस्ट था कि आज ही हमने करना है सारा कुछ, तो मैं, जैसे अनुपम जी दिल्ली जा रहे थे, मैं दुबई, मेरा कल शो है, इसलिए मैं प्रमोट भी कर रहा हूँ अपने शो को, तो एटलीस्ट वहां से मैं कवर कर लूंगा। बट माई बेस्ट विशेस टू माई ब्रदर, यंगर ब्रदर, ही इज अ वेरी टैलेंटेड एंड हैंडसम सिंगर, मत बनना भाई, थोड़ा सा हमारा ध्यान रख ले। तीन शो मैंने कर दिए हैं, कर देगा, तीन शोज नहीं करेंगे, चिंता मत करो, हम पंजाबी भुगतान करेंगे। यार आपने वहां से बैठे बैठे ऐसा बम मारा मेरे पे, बात इधर चल रही थी। नहीं ठीक है सर, पाजी के लिए तो कभी भी नहीं, बट ये बहुत, जब ये मैंने गाना सुना था तो गाना बड़ा ओके काइंड था, लेकिन जब मैंने ये गाना गाया तो इतना अच्छा हो गया, और उसके बाद मनीष पे भी सूट कर रहा है ये गाना। बट मनीष मेरा भाई, मनीष भाई सच्ची में बहुत ही टैलेंटेड है, दिल्ली से है, बहुत प्यार हम करते हैं, और इसके लिए जान भी हाजिर है, ये 50 बारी मुझे बुलाएगा मैं तब भी देर ले आऊंगा। I love you बाजी, पर ये बात है, मैंने पाजी को एक बार कहा था, मैंने कहा पाजी मेरी फिल्म है, गाना गाना, कहते हीरो कौन है, मैंने कहा मैं हूं, कहते बस बात खत्म हो गई। और ना सिर्फ इन्होंने गाना गाया, उसके बाद मैंने बेशर्म की तरह दूसरी बार फिर फोन किया, एक गाना फ्री में गवा लिया, उसके बाद मैंने कहा पाजी अब उसमें डांस भी करना है, कहते अच्छा साथ में तू भी है, मैंने कहा जी पाजी ओके, बात खत्म हो गई। तो मतलब आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज मीका पाजी, वी नो ही इज नॉट ओनली मीका, ही इज किंग मीका सिंह, एंड आई थिंक एक हिट मशीन है, कोई भी फिल्म में कोई भी गाना गाए वो सुपर डुपर हिट होना ही है, साथ में फिल्म को जो है आपके स्टार्स मिल जाते हैं और फिल्म बहुत अच्छी हो जाती है। पाजी लव यू सो, बिल्कुल मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे साथ दो लेजेंड्स हैं, वन ऑफ माई फेवरेट अनुपम जी ऑलवेज, एंड अनु जी आई लव यू अगेन, आज आप सिंगर भी हो, आप तो मतलब ऑलराउंडर हो, सो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। मेहरबानी, और आपकी बहुत खुशकिस्मती है कि आप मेरे साथ खड़े हो। ये तो आना ही था पीछे से, पता था मुझे। मंजरी, बिफोर यू वी स्पीक, आई हैव टू से दिस टू मीका, दैट मीका ने बड़े अच्छे ग्लासेस पहने थे, आपने ना सिर्फ पैसे लिए हैं बल्कि मेरे को आपके ग्लासेस अच्छे लगे थे, आपने अपने बॉय को कहा वो नए ग्लासेस लेकर और आपने मुझे प्रेजेंट किए। जी जी, तो दिस इज अमेजिंग, थैंक यू। जट दा दिल है, एनु कहते जट दा दिल। प्लीज मंजरी, या प्लीज प्लीज, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, सब मतलब इतनी सारी कहानियां हमने सुन ली है, यही सवाल है। सो द वे यू सॉ राइट नाउ ऑन स्टेज व्हाट वाज हैपनिंग, मैं इतनी कभी जिंदगी में इतनी किसी शूटिंग पे हंसी नहीं हूं, आई हैव जस्ट हैड सच अ ग्रेट टाइम शूटिंग, थैंक यू विश्वास, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस फिल्म, एंड इट्स अ ग्रेट स्क्रिप्ट, आई एम श्योर एवरीबॉडी इज गोना लव इट, सो
please guys help us make this film a super hit. Manish bhai, ek sawal aapke liye on a thoda sa serious note. You know, you have been with all the actors. Sir, main serious sawal puch sakta hu sir? Jab serious sawal puchne se pehle bolo serious note to wo serious ho hi nahi sakta. Nahi, main aapko dekh ke muskura gaya sir. To Manish please mere ko bole stalwarts ke sath kaam kar rahe hain. And as a serious actor, Anupam sir ne bola aur unke samne to matlab paseene chhoot jate hain logon ke. How was it? How was the experience as a serious actor, as an actor? यार बहुत अच्छा था. इनफैक्ट मेरे लिए मोर देन एनीथिंग इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. मेरे बहुत सारे सीन अनुपम सर के साथ हैं बिकॉज मैं सर का बेटा प्ले कर रहा हूँ. अन्नु कपूर सर के साथ बहुत सारे सीन हैं. तो मजे की बात ये थी मुझे मोर देन एनीथिंग सीखने को बहुत मिला. जैसे कि सर ने एक्चुअली कितनी बार मुझे बोला, मैं कुछ करता था ना मस्ती कहते आ जा बैठ जा, फिर बैठ के बताते थे कि देख अब ऐसा है कि ये सीन जो है ना इतनी सीरियसली होना चाहिए, यहाँ पे अपनी कॉमिक टाइमिंग डाल, ये कर. तो आई थिंक मुझे इतना सीखने को मिला. सो आई थिंक आई हैड अ वंडरफुल टाइम. बाद में अन्नू कपूर सर के साथ बैठ के इतने कमाल के किस्से सुनने को मिले. एंड सर की आपने अभी ऑन स्टेज टाइमिंग देखी, ये फिल्म में भी ऐसे ही चलती थी. सो हम लोग खूब इंजॉय करते हुए जाते थे. एंड मेरे डायरेक्टर विश्वास पांड्या, आई थिंक सर ने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट किया, ध्यान दिया. एंड आई थिंक 3-4 महीने पहले से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि अच्छा बस अब होस्टिंग के बारे में नहीं सोच, एक्टिंग के बारे में सोच, और हर चीज पे उतना ध्यान दिया. सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू बी वर्किंग इन दिस फिल्म. सुपर्ब सुपर्ब. यहाँ पे विश्वास सर आपके पास आ रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले हमारे प्रोड्यूसर साहब यहाँ पे आनंद स्वरूप अग्रवाल जी से एक सवाल मैं जानना चाहूंगा. ये जो पूरी जर्नी रही सर इस अमेजिंग टीम के साथ, ये सफर कैसा रहा? अगर इस सफरनामे को कुछ यहाँ पे आपने सबको बताना हो. नमस्कार. जैसे अभी सबने बताया जी, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि पिक्चर इतने अच्छे एटमोसफेयर में बनेगी. क्या कहना, क्या सबका क्या कोऑपरेशन. मैं फैमिली एंटरटेनर बनाना चाह रहा था, कृष्णा जी मुझे मिल गए और मेरा सपना पूरा हो गया. और मैं आपके साथ कहता हूं कि इससे बढ़िया टीम मुझे मिल नहीं सकती. क्या बात है सर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड. शैलेंद्र बात जरूर याद रखना सर, ये पिक्चर सक्सेसफुल होगी तो दूसरी टीम ना ढूंढना. ये मेरा वायदा ये तो होगा कह रहे सर. स्वरूप प्रोडक्शन लेडीज एंड जेंटलमैन, अगस्त्य फिल्म्स एंड ऑफ कोर्स सोहम रॉक स्टार की तरफ से थैंक यू. या शैलेंद्र जी, आई वुड वांट यू टू शेयर समथिंग हमारे साथ, योर एसोसिएशन विद दिस फिल्म ऑफ कोर्स. ऐसे कैसे प्लीज. वेल गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. वेल सोहम रॉक स्टार हैज रिसेंटली डिलीवर्ड सनम तेरी कसम एंड अभी शादी में जरूर आना भी आपने देखा होगा. सो वी हैड ऑलवेज बीन लाइक यू नो लुकिंग आफ्टर एंड डिलीवरिंग द क्वालिटी कंटेंट टू द ऑडियंस. So this is also one of them. I'm sure like you know you're going to enjoy the quirky comedy what Vishwas has delivered or Anand Swarup ji ne jo produce kiya hai. So hope for the best and we are expecting Baaa Blacksheep will have your blessings. Thank you. Thank you so much Arindra ji. Yahan pe coming to Chand Saab and of course superb ya. Superb you guys are. Aur 2013 mein I think yahan was the first time you guys had performed Hard Rock mein hai na? Main yaad hai homework kiya maine apna. So please tell us about the music of this film. That's superb. Yeah, that's Roshan, Gaurav, and myself. And we are very thankful to Vishwas. हमारे ऊपर इतना विश्वास उन्होंने दिखाया कि आजकल music को बनाना आसान होता है, बेचना मुश्किल हो जाता है. तो हमेशा ढूंढते रहते कोई ऐसे नाम, ऐसे लोग जिनसे बिक जाए चीज मनने से पहले. तो ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन आई थिंक एट द म्यूजिक की बलबूती भी अगर बिकी तो ये अच्छी बात है. और विश्वास वेरी इजी टू वर्क विद. हम लोग ने मज़ा ये था कि ये था नहीं कि गाने तैयार हैं, चलो इसमें ये गाना फिट कर देते हैं, ये गाना वहाँ डाल देते हैं. इट वॉज मेड टू द स्क्रिप्ट, मेड टू द सिचुएशंस, मेड टू द सीन्स. तो बहुत ही मज़ा आया. इट वॉज अ क्रिएटिव प्रोसेस. मेरे लिए बहुत नया था, लेकिन गौरव रोशन इन्होंने काफ़ी सारे फिल्मों में ऑलरेडी म्यूजिक किए थे तो उनकी एक्सपीरियंस थी. तो उनके साथ मैं भी थोड़ा जुड़ गया और एंड इट्स ऑल साउंडिंग फैंटास्टिक. आप बहुत जल्द बाकी के गाने भी देखेंगे सुनेंगे जो हमारे ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस हैं. तो आप होपफुली यू विल एंजॉय इट लॉट वंस अगेन. लाइक मेकअप बाजी मेरे बहुत ही प्यारे सोनू निगम एंड महालक्ष्मी अय्यर, वी हैव सम वंडरफुल सपन जिन्होंने भी बहुत प्यारा गाना गाया है. महालक्ष्मी इज हियर विद अस. लेट कॉल महालक्ष्मी. प्लीज महालक्ष्मी अय्यर. आई वुड आप इतनी बड़ी कलाकार हैं, आइए. फाइनेस्ट वॉइसेस दैट वी हैव इन आवर इंडस्ट्री. और साथ साथ एक बहुत ही नए लेकिन बहुत ही होनहार सुनील सिल्विया जिन्होंने गाने लिखे हैं. जोरदार तालियां महालक्ष्मी के लिए. महालक्ष्मी अय्यर. मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ मिका और महालक्ष्मी का जो ड्यूएट गाना है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ द सीजन. और मिका से रोमांटिक गाने लोग शायद एक्सपेक्ट नहीं करते. इसके बाद मुझे लगता है कि वैसे भी सारे पार्टी नंबर्स तो गा ही रहे हैं पाजी, अभी रोमांटिक गाने भी ये गाने लगेंगे. ये पता नहीं मैंने ये क्यों कमाल कर दिया, लेकिन चलिए अच्छी बात है. बट इट्स गोना बी वंडरफुल. सुनील हैज रिटन द सॉन्ग. सुनील सिल्वैया और सपन अगर आप भी आ जाए. सपन ने रामलीला पर एक नया ट्विस्ट दिया है
which is a training song jo aapne train kiya us par Savan ki ek alag tonality hai aur agar zyada to hamare jo song mix jinhone kiya hai since it's a music release Kohinoor aap bhi aa jaiye naam hi inka Kohinoor hai to Savan ji ne ek gana gaya hai Ram Leela bahut mazedar and that's Kohinoor who's mixed all the songs mastered all the songs welcome Kohinoor in one day Garav Good evening, everyone. It's been amazing working on this film. And Vishwas, I think, is one of the best directors that we've worked in the longest time. Thank you for having faith in us. And Shan, nothing to say. He's the perfect human being and the perfect elder brother anyone can have, besides being such a great artist. And Roshan here is one of the best music producers we have in the country. And we've been working together for a long time. Because they started out with me. कृष्णा डाटला एंड आनंद स्वरूप अग्रवाल जिनके बगैर ये फिल्म बनी नहीं सकती थी और फिर उसके बाद अनुपम जी ऑर्डर में नाम ले रहा हूँ मैं अनुपम जी आए फिर अन्नू जी जुड़े फिर मनीष फिर मंजरी और फाइनली के मेनन जो कि एक स्पेशल अपीयरेंस कर रहे हैं यहाँ पर इस फिल्म में और सब ने इतना फैंटास्टिक काम किया है और मुझे ईजी गोइंग कह रहे हैं लेकिन सब के सब इतने ईजी गोइंग हैं कि मुझे बड़ा मजा आया ये फिल्म बनाते हुए एंड इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस एंड द म्यूजिक इज फैंटास्टिक शान गौरव एंड रोशन हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब शान हैज आल्सो संग अ ट्रैक फॉर अस व्हिच इज इन द ट्रेलर व्हिच इज द टाइटल ट्रैक एंड बिसाइड्स दैट ही हैज गिवन द म्यूजिक विद गौरव एंड रोशन एंड सोनू निगम हु हैज बीन अ फ्रेंड एंड फैंटास्टिक जस्ट लाइक मिका पाजी ही इज वर्क्ड फॉर फ्री मेकअप आजी ने वीडियो भी फ्री कर लिया था बट एक्चुअली इट्स नॉट आर करेक्ट करेक्ट मेकअप आजी देखो उनके पैर की सर्जरी चल रही थी नहीं तो वो भी वीडियो में होते Let's yes yes correct bhai ki ticket aage karke correct 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 and baki grateful to Soham Rockstar for releasing the film and joining us in the end and thank you everybody thank you so much zordar taaliyan for this amazing team ladies and gentlemen jaate jaate sir matlab video launch kiya humne main kehta aap log thoda steps wagera hum log kare lekin mikka paaji aaye hain to sir thoda sa to banta hai अरे मिका भाजी बहुत बढ़िया पाजी आपका स्टेप्स भी और गाना भी पड़ेगा सर है ना थैंक यू सो मच दोनों लेजेंड्स का डांस देखना चाहूंगा मेरे साथ नहीं नहीं पाजी नाल रहने दो ना दोनों यार या बिफोर वी रैप अप वी हैव दिस धमाकेदार परफॉर्मेंस एंड आफ्टर दिस द ग्रैंड फिनाले सुपर्बिया कुछ सुपर्ब करने वाला है हम सब के लिए हाँ चलो वी प्ले द वीडियो आल्सो फॉर यू गाइस पाजी विल प्ले द वीडियो अगेन जी प्लीज वी वांट यू टू पाजी टू परफॉर्म आल्सो ऐसे कैसे हम आगे आगे डांस करेंगे मैंने दिल्ली थोड़ा माइक बढ़ा दे यार और
Vishwas bhai kuch kehna chahte hain hame? I just mic on. Yeah. I just wanted to add that Natasha Suri is right now on this stage. Welcome, Natasha. And she's done a fantastic cameo in our film. And there's one more actor who I want to name is Manish Wadhwa, who's fantastic in the film. He's playing Manish one of the main here. Villains. He's not here, I think. No, I don't think he's arrived yet. But just because she's here, I just wanted to take his name as well. Thank you. Superb. Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. And now it's for the grand finale. Superbia is going to perform something here for you all. And this is going to be a memorable day. Thank you, sir. ये जो गाना है ये पहले भी गाना रिलीज हुआ है इसका हमने रीमेक किया है तो जो ओरिजिनल सिंगर है बहुत अच्छे हैं हरभजन मान जी वो बहुत अच्छा गाते हैं तो हमने ये रिक्रिएट करा है हाँ जी भाई फटाफट Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Thank you. And now, ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome. 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 Superbia. Kevin Shiraz Gordo Malde. Come on, Sylvie Flo. Muffin with Sinsen Sputwa. सर ऐसे गाली गलौज नहीं करनी सर क्या क्या बोल जा रहे हो आप मजे मजे में विद द एक्टर्स प्लीज वील जस्ट हैव अ कपल ऑफ सोलो पिक्चर्स ओनली एक्टर्स एंड मेकअप आजी यू टू ऐसे कैसे रुक जाओ आप क्या बोल रहे हो सर आप
ऐसा हो जो मतलब हाथ ना छोड़ेंगे अरुण जी को, वही कह रहा हूँ, वो तो हो चुका है जब तक आप पानी पी रहे हैं। देखिए दोस्तों एक होली स्पेशल हो जाए, लेकिन साथ साथ भूली का भाई नहीं दिला दो फिर से इससे पहले अनु जी कुछ गाए। मैं चाहूंगा कि एक गाना जो हम सबकी फेवरेट श्रीदेवी जी जो आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन लेजेंड नेवर डाई वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, तो एक गाना मैं चाहूंगा उनके लिए हम ट्रिब्यूट करें। सो रंग का ही बॉल है रंग नहीं जी। आज के आज का इवेंट जो ही ऐसा है, ये विश्वास पांड्या द्वारा डायरेक्ट की हुई फिल्म जिसका नाम है बाबा ब्लैक शीप, उसका म्यूजिक लॉन्च है। आप सबका सहयोग और प्रेम चाहिए, म्यूजिक हिट हो जाएगा, फिल्म हिट हो जाएगी, तो बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा और हमारा भला हो ये अब आपके हाथ में जी। देखिए अभी तो उनका पार्थिव शरीर भी अब वो सिर्फ यादों में बाकी रह गई हैं, या सिल्वर स्क्रीन पर जो भी उनके चाहने वाले हैं उनकी याद करेंगे। अभी तो कुछ कह नहीं सकता, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनके परिवार के ऊपर, बहुत बच्चियों के ऊपर बहुत मुसीबतों का पहाड़ है, दुख का पहाड़ है, बहुत संताप है, बहुत पीड़ा है। ईश्वर उनकी पीड़ा दुख दर्द दूर करे, यही मेरी प्रार्थना। धन्यवाद। यार माहौल तो बहुत अच्छा रहा आज के इवेंट का, और सारी फिल्म में एक्चुअली माहौल बहुत अच्छा रहा क्योंकि एक्टर्स इतने अच्छे हैं और लोग इतने अच्छे हैं, सारे लोग जो जुड़े हैं इस फिल्म के साथ बहुत अच्छे लोग हैं, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ये फिल्म बनाते हुए और आज ये इवेंट करते हुए। फिल्म के शूट के दौरान या फिल्म के शूट के दौरान यार सबसे ज़्यादा फ़नी इंसिडेंट ये रहा कि मैं अपने आप को एक फिटनेस कोच की तरह महसूस कर रहा था क्योंकि अनुपम जी 14 किलो लूज़ करके आए थे इस फिल्म के लिए और मनीष पॉल जो है वो करीबन 8 किलो लूज़ करके आए थे इस फिल्म के लिए। तो एक तो वो रहा और दूसरा क्योंकि मैं मनीष और मंजरी के साथ इतना स्ट्रिक्ट था कि मीठा खा नहीं सकते थे, फ्राइड खा नहीं सकते थे, कि अगले दिन कैमरा पे अच्छा दिखना है उनको। तो एक दिन ऐसे मनीष और मंजरी एक पिलर के पीछे, मतलब खंबे के पीछे मुझे मिले होटल में बूफे के पास, और वहाँ पे चोरी छिपे ये मिठाई खा रहे थे, बेसन के लड्डू खा रहे थे, और एक्चुअली मैंने जाके उनको पकड़ा और मैंने कहा उनसे कि ये क्या कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मैं सबको रोक रहा हूँ कुछ और करने से, या कह रहा हूँ कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी जियो। तो ये काफ़ी फ़नी रहा और बाकी सारे फ़नी थे, अनु जी, अनुपम जी, मनीष, मंजरी जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, और फिल्म इन इटसेल्फ फ़नी है और थोड़ी सी क्वकी है, थ्रिलर भी है, तो आई थिंक माहौल वैसा ही था। थैंक यू। तो आज का इवेंट बहुत अच्छा रहा, एंड स्पेशली मेरा भाई है, बहुत ही टैलेंटेड है मनीष पॉल, एंड ये उसकी दूसरी मूवी है और बहुत ही फ़नी मूवी है, बहुत अच्छा उसने काम करा है, एंड डायरेक्ट विश्वास हैं, और उनके साथ दो बड़े दिग्गज हैं जिनका नाम है अनुपम खेर जी एंड अनु कपूर जी, और मंजरीस की हीरोइन है शान दादा ने म्यूज़िक करा है, बहुत ही कमाल का म्यूज़िक है, एंड आई एम श्योर के फिल्म सुपरहिट जाएगी और गाने भी सुपरहिट जाएंगे। एक गाना हमने जो अभी करा है उसका रीमेक करा है, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक गल्ला गोरियां दे विच टोए, जो आज से 20 साल पहले गाना आया था, उसको वापस रिक्रिएट करा है, सो आई एम श्योर के वो गाना हिट जाएगा। अभी मैं शोज में बिजी हूँ एंड बहुत सारे सरप्राइज हैं जो इस साल आएंगे, तो जब आएंगे फिर आपको पता चलेगा। जी यार अब
जाहिर सी बात है बहुत खुशी होती है बिकॉज आई थिंक इतनी बड़ी स्टार कास्ट है इंडस्ट्री के दिग्गज जो हैं उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका बड़ा पर्दा शेयर करने का मौका मैं तो आज भी वही दिल्ली का लड़का हूँ यार जो एक ड्रीम लेके मुंबई आया हुआ है सो आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मुझे बहुत अच्छा लगता है एक अच्छी स्क्रिप्ट है विश्वास पांड्या जिन्होंने डायरेक्ट करी है आई थिंक ओवरऑल बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है यार एज एन एक्टर डेफिनेटली बिकॉज आप जितना भी काम करते हो विद एवरी फिल्म यू इम्प्रूव और यहाँ तो जैसे कि मैंने कहा कि एक्टिंग के इंस्टीट्यूट मेरे सामने थे तो मैं बस उनसे ज्ञान लेता गया और इस फिल्म में भी बहुत कोशिश करी उसका यूज़ करने का और आगे भी फिल्मों में डेफिनेटली उन्हें यूज़ करना ये बहुत है आई थिंक बिकॉज हमने ओवर 35 डेज ये फिल्म शूट करी है आई थिंक रोज़ का गाना बजाना खूब हंगामा हर सीन में बैठ के पूरी रिहर्सल होनी एक एक डायलॉग के ऊपर काम होना आई थिंक वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था सो बिग थैंक्स टू ऑल दी एक्टर्स इन द फिल्म एंड डायरेक्टर मुझे एज एन एंटरटेनर देखोगे मैं होस्टिंग भी करता हूँ मैं फिल्में भी करता हूँ मैं सब कुछ करता हूँ मैं गाना भी गाता हूँ मैं सिंगर भी बन गया हूँ तो आई थिंक मैं एंटरटेन करता हूँ यार मुझे जिस चीज़ का मौका मिलता है टाइम मिलता है मैं वो कर लेता हूँ नहीं मैं कहानी देखता हूँ यार मेरे लिए सबसे बड़ी बात कहानी है कहानी अच्छी होनी चाहिए विश्वास सर भी जब मेरे पास आए थे कहानी लेके मुझे बहुत मज़ा आया था कहानी का उस समय ज़्यादा लोग नहीं थे अनुपम सर थे डेफिनेटली तो आई थिंक जब अच्छे अच्छे एक्टर्स जुड़ते जाते हैं एक फिल्म बनती जाती है तो ये फिल्म एक प्रोसीजर होता है एक एक पूरा प्रोसेस है जो बनता है तो उसमें मज़ा आता है बहुत से लोग हैं अनुपम सर हैं सलमान सर हैं मैं उनसे बहुत चीज़ें शेयर करता हूँ अन्नू कपूर सर हैं जिनसे मैं बहुत चीज़ें शेयर करता हूँ अब ऐसे लग रहा था जैसे कोई हम लोग हॉलीडे पे गए हैं इकट्ठे बिकॉज इतना हंसी मजाक मतलब आई हैव नेवर सीन सो मच हंसी मजाक ऑन एनी सेट तो इट वॉज अ वेरी हैप्पी सेट एंड यू विल आई एम श्योर पीपल विल फील द एनर्जीज ऑफ हाउ मच फन वीव हैड वाइल शूटिंग इन द फिल्म प्लस वर्किंग विद लाइक स्टॉलवर्ट्स ऑफ परफॉर्मेंसेज लाइक अनु कपूर सर अनुपम खेर सर एंड लाइक के के मैनन आई मीन बहुत ही मजा आया उनके साथ काम करने में बहुत बहुत कुछ सीखने को भी मिला एंड मैं कोई इंसिडेंट में निकाल के बता नहीं पाऊंगी जब मनीष होता तो हम लोग को व्हेन वी टुगेदर वी सडनली रिमेंबर अच्छा ये हुआ था वो हुआ था वो हुआ था बट ओवरऑल द शूटिंग वाज अमेजिंग एंड आई एम श्योर जब भी लोग पिक्चर देखने जाएंगे उनको बहुत मजा आएगा हाँ सॉरी सॉरी हाँ हाँ नॉर्मली आई टेक माई ओन डिसीजन मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्क्रिप्ट क्या है स्क्रिप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होती है अगर मुझे स्क्रिप्ट पसंद आती है देन आई सी कि सेटअप क्या है कौन लोग इन्वॉल्व हैं पिक्चर बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे पिक्चर रिलीज होगी नहीं होगी ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स बिकॉज कभी कभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे होगा पता नहीं सो यू नो सो यू हैव टू बी केयरफुल बहुत सारी चीज़ें होती है विच यू हैव टू लुक एट व्हेन यू आर साइनिंग अ फिल्म उसके भी रीमेक तो नहीं होगी वो भी वेरी रीसेंट है बट आई रियली लव्ड क्वीन मुझे क्वीन देखे बहुत मजा आया था आई वुड लव टू डू अ रोल लाइक दैट यू नो इट्स सच अ ब्यूटीफुल फिल्म सो या चालबाज शी वॉज सो ब्रिलियंट इन चालबाज आई मीन लाइक सो डिफरेंट इन बोथ द कैरेक्टर्स शी वॉज सो मच फन आई थिंक देर वॉज नो बडी हु हैड अ बेटर कॉमिक टाइमिंग दैन श्रीदेवी मैम आई थिंक आई मीन शी इज वंडरफुल शी इज ब्यूटिफुल एंड व्हाट अ टैलेंटेड वुमन या बिल्कुल ये म्यूजिक डायरेक्टर होने का पूरा श्रेय जो है मैं गौरव और रोशन को देना चाहता हूँ क्योंकि मैं उनके लिए कोई गाना गाने गया था और उस पॉइंट पर उन्होंने कहा कि क्यों ना हम मिलकर कुछ करें तो मैंने कहा क्यों नहीं तो उस बीच में हम लोग काफ़ी सारे फिल्मों की म्यूज़िक हम लोगों ने किया एक फिल्म ऑलरेडी कॉफ़ी विद डी जो फिल्म रिलीज़ हुई थी सुनील ग्रोवर की उसके बाद अब बाबा ब्लैकशिप एक गाना हमारा काफ़ी पॉपुलर हुआ ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड मस्ती में गाना उसमें भी दिया और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हो जो फ्यूचर में आने वाले हैं इस बीच में गौरव रोशन काफ़ी सारे रिक्रिएशन और बहुत सारे उठ के अपने ओरिजिनल गाने भी कर रहे हैं
तो अब हम लोग सेपरेटली काम कर रहे हैं तो ये सब कुछ, लेकिन ये जो दो तीन साल हम लोग मिलकर काम किए तो बहुत मज़ा आया. एंड मुझे एज अ कंपोज़र बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने और समझने को मिली कि एज सिंगर्स हम बहुत, मतलब हमारा जो काम है आराम कुर्सी वाला काम है. लास्ट में आते हैं, गाना गाते हैं और फिर गाने की पूरी श्रेय लेकर चले जाते हैं. जो कंपोजर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, गाने को कैसे लिखवाएं, उसको कैसे अरेंज करें, कैसे म्यूज़िक रखें, प्रोड्यूसर से कन्विंस कैसे करवाएं, डायरेक्टर को कैसे कन्विंस करें कि ये गाना अच्छा गाना है, फिर सिंगर से गवाना, सिंगर्स की कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना. तो आई एम हैप्पी एज अ सिंगर ओनली. तो मैं वापस बैक टू पवेलियन चले गया हूँ, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ आज मैं एक कंपोज़र के रूप में आ पाया हूँ. बाबा फ्लैगशिप के गाने बहुत अच्छे हुए हैं और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द फिल्म. हाँ, मैं अपने चैनल में बहुत सारे गाने, जैसे सुरीली गाना काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया, फिर एक और गाना जानिए मैंने रिलीज़ किया उस पर, और मेरे चैनल पे अपने गाने में रिलीज़ करता रहूँगा. साथ साथ कॉर्पोरेट सॉन्ग्स, कॉर्पोरेट फिल्म्स के गाने बना रहा हूँ, और ऑफ कोर्स कहीं भी अगर फिल्म का गाना बनाने का मौका मिले तो बिल्कुल हम पीछे नहीं हटेंगे. बहुत सारे गाने, जैसे कहते हैं ना, बैंक बना के रखे हैं, बहुत सारे गाने बनाते रहता हूँ. और मेरे पिताजी कंपोज़र थे तो आई एम अ कंपोज़र सन, तो कहीं ना कहीं कंपोज करना मेरे सिस्टम में तो है ही. लेकिन डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कहा कि गौरव रोशन ने काफ़ी मुझे इनकरेज किया और उनके साथ रह रहकर मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा कि गाने को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए, गाने को थोड़ा सा और दिल से बनाओ ताकि दिल तक पहुँचे और सिंपल हो तो लोग उसको उस गाने में डूब सकते हैं. तो उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया.